उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों का बकाया 1,00,000 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान गन्ना किसानों के सीधे बैंक खातों में किया है। इस दौरान गोरखपुर के एनआईसी हाल में उपगन्ना आयुक्त उषा पाल, गन्ना किसान राम सूरत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और किसान मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों से बात भी की और कहा कि सरकार किसानों के साथ है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट के बावजूद भी गन्ना किसानों के बकाए धनराशि का भुगतान कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गन्ना किसान राम मूरत मौर और उप गन्ना आयुक्त उषा पाल ने कहा, जी प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान भाइयों से बातचीत करेंगे। अब हम चलते हैं महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। गन्ना मिल नहीं चल रही, परंतु आपके आशीर्वाद से इंद्रायण में गन्ना मिल स्थापित हो गई है, जिससे किसानों की सीमत बदल गई। शासन काल में गन्ने की भक्तों में बिल्कुल एक भरकरा ना पड़ा, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दिए हैं, इसके जिसे आप बधाई के पास हैं। महाराज जी, आप द्वारा हम गन्ना किसानों को जो सुविधा दी गई है, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ। जो है आपकी जो बड़े सेवा के लिए तैयार है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब चार क्या बात करना था, अब तक ये 1,00,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का सीधा भुगतान करने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और साथ ही साथ गन्ना विभाग को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। पहले ही यानी कोरोना के पहले ही बंद हो गई थी और कोरोना के कालखंड में भी बहुत कम चीनी मिलें चल पाई थी, लेकिन प्रदेश के अंदर हमारे गन्ना विभाग ने सभी 119 चीनी मिलों को चलाया। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक गन्ना किसान के खेत में एक भी गन्ना रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, और उस संकल्प को भी पूरा किया। और यह भी तय करने का कार्य कि हमने गन्ना पेराई का कार्य कर लिया है, गन्ना पेराई के साथ अब गन्ना मूल्य का भुगतान भी होना है। यह भी हम गन्ना मूल्य का भुगतान करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने उत्तर प्रदेश को अपने परिश्रम से फिर से नंबर एक स्थान पर पहुंचा दिया, गन्ना उत्पादन में भी और चीनी उत्पादन में भी। खांडसारी उद्योग बंद हो गया था तो खांडसारी उद्योग के दौरान जब किसानों में हलचल थी तो गन्ना विभाग ने फटाफट उन लोगों को लाइसेंस जारी किए और बड़ी मात्रा में जगह जगह खांडसारी उद्योग एक बार फिर से पुनर्जीवित होता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, कोरोना के दौरान याद करिए मार्च प्रथम सप्ताह में अचानक सैनिटाइजर की कमी पड़ गई, 100 ग्राम की जो सीसी थी वह जिसका नाम 80 रुपए होता था उसकी कीमत 400-500 रुपए में मिलने लग गई। तो गन्ना विभाग ने एक नई तरकीब निकाली, उन्होंने कहा चीनी में तो चल ही रही है, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे। और सैनिटाइजर का देश के 28 राज्यों को भी सैनिटाइजर की आपूर्ति सस्ते में की,
और दुनिया के अंदर भी सैनिटाइजर भेजने का कार्य किया। ये है कि कार्य कैसे होना है, संकट में भी हम राह निकाल सकते हैं। उसका एक दूसरा उदाहरण इस अवसर पर हमारे इस गन्ना विभाग ने किसान बंधुओं की मदद से निकालने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि हमारा किसान भाई आज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। ई गन्ना है के बारे में हमारे तमाम किसान बंधुओं ने चर्चा की है और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि कैसे अब पर्ची की समस्या नहीं बल्कि एसएमएस के माध्यम से न केवल गन्ना पर्ची भेजने की समस्या का समाधान हो सकता है कि तो इसके माध्यम से अगर पर्ची नहीं मिलने के गए तो भी हमारे मोबाइल फोन पर एसएमएस है, हम उसको दिखा करके भी अपना गन्ना की तुलाई कर सकते हैं। या भुगतान के लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ये ऑनलाइन है, डीबीटी के माध्यम से पूरा भुगतान आ रहा है, हमें उसकी जानकारी मिल रही है कि कितना गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया है। एक बड़ा कार्य, ये जो भी प्रयास है ये वास्तव में अपने अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को कहते हैं कि अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, शहादत देता था। लेकिन आज वहां पर नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की अत्याधुनिक तकनीक पर निर्मित एक नई चीनी मिल, इस बार जिस भारी पैमाने पर वहां पर पेराई हुई और समय से पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का वहां पर पेराई के साथ साथ भुगतान की कार्रवाई भी पिपराई, यानी गोरखपुर में कभी 3 चीनी मिलें हुआ करती थी और देखते देखते पिछली सरकारों के समय सभी चीनी मिलें बंद हो गई। ये लगता था कि अब गन्ना किसान कहां जाएगा, लेकिन गन्ना विभाग ने पिपराइज में नई चीनी मिल 5000 टीसीडी की चीनी मिल यानी 50,000 क्विंटल गन्ने का प्रतिदिन पेराई हो सकती है और इसको बाद में बढ़ा करके 70,000 यानी 75,000 क्विंटल तक प्रतिदिन किया जा सकता है। आधुनिक तकनीक पर बनी हुई इन चीनी मिलों ने एक बार फिर से लोगों के जीवन में एक नया विश्वास भरा है, विश्वास इस बात का कि किसान बंधु परिश्रम करेगा, सरकार उसके साथ हर कदम पर खड़ी होगी और यह इन चीनी मिलों के माध्यम से देखने को मिला है। लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस बारे में एक बार फिर से अपने सभी किसान बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी मैंने नोट भी की है और उन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। गन्ना किसान के एक एक गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान भी करवाएंगे, किसी भी किसान का कोई एक भी पैसा नहीं ले जा सकता। और ये हमारा पहले दिन से संकल्प है कि प्रदेश में कानून का राज होगा, ना गुंडा राज होगा ना भ्रष्टाचार होगा। जिसने भी गुंडागर्दी करने या भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास किया तो उसकी जगह कहां होनी है यह पहले हम तय कर चुके हैं और इसलिए हर एक किसान को उसकी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त होना ही चाहिए। और इसके लिए जहां हमें कार्य कर रहे हैं वही किसान के जीवन में अधिकाधिक खुशहाली हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर लागत का 1.5 गुना से अधिक दाम किसानों को देने का जो संकल्प किया उत्तर प्रदेश में, इस कार्य को हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही जो कुछ सुझाव और हमारे किसान बंधुओं ने मुझे दिए हैं मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि इन समस्याओं का समाधान होगा। हर प्रकार से आपका संरक्षण करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना, आपको एक खुशनुमा माहौल प्रदान करना और आपके जीवन में व्यापक परिवर्तन के माध्यम से हम देश
और प्रदेश और देश को समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकेंगे, यह एक अवसर है। मैं चाहूंगा आप सब की ओर, मैं सब आप सब से अपील करूंगा कि हमारे कुछ किसानों ने, मेरठ से जुड़े हुए हमारे से विनोद सैनी जी ने और अन्य किसानों ने भी बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, अरविंद मलिक जी ने जो अपनी बातें कही हैं या जो भी किसान अपनी बात यहाँ पर कहे हैं, और मैं चाहूंगा हमें वास्तव में जैविक खेती की ओर से, अगर हमारे घर में गाय है देसी गाय, तो देसी गाय के माध्यम से जीवामृत के माध्यम से हम जैविक खेती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, फसल भी अच्छी होगी और साथ साथ विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, चाहे वह कैंसर की बीमारी हो, चाहे वह किडनी खराब होने की समस्या हो या अन्य तमाम समस्याओं से भी हमें निजात मिल सकता है, बशर्ते हम जैविक खेती की ओर तेजी के साथ अग्रसर हों। आप सबने जिन भावनाओं का यहाँ पे व्यक्त किया है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार आपके हित के लिए कार्य करेगी। हमारे गन्ना मंत्री जी, गन्ना राज्य मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी उद्योग, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण पूरी तत्परता के साथ आपकी सेवा में लगे हैं और किसान बंधुओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, सरकार और कार्य हर किसान के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से 1,00,000 करोड़ से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में जाने पर प्रदेश के अपने सभी गन्ना किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सबकी मेहनत, आप सबका परिश्रम प्रदेश और देश के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राम सूरत में गन्ना के बहुत बड़ा वो खेती बढ़ाने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया। महाराज जी से बात हुई, उन्होंने हमारे जनपद में प्राइस मिल जो उन्होंने लगाया है उससे किसानों की जो है मनोबल बढ़ा है और अगले साल जो है खेती और बढ़ाएंगे। महाराज जी को सुझाव मैंने यही दिया है कि महाराज जी किसानों का सहयोग आपको तरफ से इस तरह होता रहेगा, किसान गन्ने की खेती होगी। ये DBT के माध्यम से आज एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम आयोजन करके भुगतान किया है और जो बेसिक कार्यक्रम था ये कृषकों से संवाद कार्यक्रम था, यानी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं या विभाग द्वारा जो भी किसानों के हित में किया जा रहा है उनके बारे में सीधे रूबरू होकर फीडबैक लेने का ये कार्यक्रम था। जैसे